जब से जनादेश आया, जब से सरकार बनी, उसके बाद से लगातार एक ही सवाल किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और सोनिया गांधी के भी अगर इस लेख को देखें तो उसका लबोलुआब वही निकल कर आता है कि नतीजों में ये दरअसल आप लोगों की एक हार है, एक नैतिक हार है, राजनीतिक हार है, व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की हार है। देखिए, जो पार्टी 100 से नीचे निपट गई और एक सबसे बड़ी पार्टी जो 240 सीटों लाकर 241 सीटें लाकर जीती है और सबसे बड़ी पार्टी, वो अब हारने वाली पार्टी क्या उसको कुछ कह सकती है? क्या उसको अधिकार है? मैं आपको दो तीन चीज बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की इस बार जो है तीसरी सबसे सबसे खतरनाक जो सबसे जो जो उनका जो सबसे खराब हार है वो तीसरी बार जो लगातार उनको मिली है अपने पूरे इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में, और भाजपा की तीसरी बार सबसे बड़ी जीत है। 2014, 2019 और 2024 हर बार जितनी सीटें आई हैं भाजपा के पूरे इतिहास में, ये तीनों बार जो तीनों सबसे बड़ी जीत है, तो किसकी जीत है? अब कहने के लिए डुगडुगी बजाते रहे, चलते रहे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत तो ये है कि सबसे बड़ी जीत हमारी और तीनों उनकी सबसे बड़ी हार है जो है पिछले 2014 के बाद हुई है। तो ये देश की जनता के सामने ये आंकड़े सामने हैं, देश की जनता भी समझती है कि क्या हकीकत है क्या नहीं। अब ये इस पर राजनीति करना चाहते हैं, ये राजनीति करे, राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं इनको, इसलिए कि इन्होंने जो भी वायदे किए थे झूठे वायदे किए थे। अब लोग इनके ऑफिस पहुंच रहे हैं कि भाई आप खटाखट पैसा ट्रांसफर करने की बात कर रहे थे, आप तो नहीं कर रहे हैं, इतने सारे झूठे वायदे जो किया आपने आपको पूरा नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से कुछ सीटें इनको जो मिल गई वो पूरे तौर से अब एक्सपोज हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी दबाव में रहती है ना किसी नकारात्मक अप्रोच रखती है। हम तो सिर्फ इनसे कहते हैं कि आप पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ जो है एक ऐसा बर्ताव कीजिए जिससे लगे कि जो आप देश की जनता, इसलिए कि कोई भी सदन में कोई भी चीज पास होता है, कोई लेजिस्लेशन बनता है, कोई बिल पास होता है, तो उससे किसका फायदा होता है? देश का और देशवासियों का फायदा होता है। तो आप पॉजिटिव अप्रोच रख के एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन की तरह काम कीजिए, हम आपके साथ। लेकिन इस पर भी सवाल है अपोजिशन का, सोनिया गांधी ने इस पर भी अपनी बात रखी है। जफर जी, मैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट, ठीक है, आप पूरा कर लीजिए जल्दी। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप उन्होंने कहा हर बार ऐसा होता है कि पीएसी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है कि भाई हम आज इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है, और सारे लोगों की सहमति हो जाती है, लेकिन जैसे सदन के पटल पे आते हैं ये हंगामा करते हैं, डिसरप्शन करना शुरू करते हैं। तो इनका काम है डिसरप्टिव पॉलिटिक्स, वो जाहिर है देश के हित में नहीं है। और वो मैं कांग्रेस के सांसद हमारे साथ हैं सुखदेव भगत जी, उनसे जवाब ले लेती हूँ। बहुत सारे पॉइंटर्स इस लेख के हैं जिस पर आपसे चर्चा करनी है सफर जी, तो आप रहिएगा हमारे साथ। सुखदेव भगत जी, देखिए ये बात बीजेपी लगातार कह रही है कि 99 का आंकड़ा लाकर आप जनादेश की बात करते हैं और आप कहते हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस चुनावों में भी उभरी, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनकी हार है, फिर ये साबित आप कैसे करेंगे? श्रीन जी, सबसे बड़ी बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वयं को अहम ब्रह्म अस्मि है की बात वो करते थे, 400 अब की बार 400 पार जनादेश क्या मिला आपके समक्ष सारी चीजें हैं, और ये जो जनादेश मिला उनकी नैतिक हार है, और स्वयं वो स्वयं वाराणसी में जिस प्रकार वो जीते हैं, तो जो अपने को दैविक शक्ति से परिपूर्ण मानने वाले जो 400 पार की बात कर रहे थे वो 240 मटके हुए हैं। और एक बात मैं इनको कहना चाहूँ, जफर भाई को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्टिव जो उन्होंने जो बात की है, रत्नतक कार्यों की बात की है, मैं एक छोटी सी बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इनके संसदीय कार्य मंत्री किरण जी ने क्या कहा जब नीट के बारे चर्चा में आई, तो आप सोच ले मानसिक रूप से इनकी सोच क्या है, आप बता सकते हैं? इन्होंने कहा कि ये संसद के गरिमा के प्रतिकूल है। क्या बच्चों की बात करना, नीट की बात करना, क्या एनटीए की बात करना, बच्चों का भविष्य अंधकार में है उनके बारे बात करना, पेपर लीक हुए उनकी बात करना, संसद के गरिमा के प्रतिकूल है? क्या संसद के गरिमा का अनुकूल इनके माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनके क्या होते हैं? मंगलसूत्र। इनके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? गाय, गोबर, गोमूत्र, क्या यह संसद के गरिमा का अनुकूल है? कहने का मतलब हम रचनात्मक सपोर्ट करना चाहते हैं। आज
प्रारंभ में भी जब स्पीकर का चुनाव की बात आई, हमने कहा कि जो हमारी संसदीय परंपरा है, डिप्टी स्पीकर हमें दे, हम साथ में इनके चलने को तैयार हैं। इन्होंने उनकी बात नहीं मानी, रिस्पॉन्ड तक इन्होंने नहीं किया। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार अपने भाषणों में कहते थे कि सदन जो है वो बहुमत से चलेगा, लेकिन सरकार है सर्वमत से चलेगा। वचनम किम दरिद्रम, बात में कुछ कर्म में कुछ। जफर भाई ऐसे नहीं चलता है। हम हमेशा और जो ये बार बार जिन बातों की कह रहे हैं 99 की ओर उकिए बता रहे हैं, हमने तो प्रगति की है, आप तो नीचे उत्तरोत्तर आप नीचे गिरे हैं। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जनादेश आपको नहीं मिला, आपकी नैतिक हार है और उन चीजों की आपकी जो आपकी नीतियों की हार है। और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि इस अहंकार का अंत हो जाए, आपका अंत होना ही होना है। आपका पॉइंट ये है कि हमने जफर जिस पर जवाब भी देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगी, लेकिन पहले बाकी मेहमानों को इसमें, ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। सुखदेव जी, मैं इनको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूँ, अहंकार ना पाल कर रखें। आप 99 बार बार जो बोल रहे हैं ना, वो भी स्मरण करें। आपको 2 सीटें इस भारत में 2 सीटें आपको मिली थी, केवल 2 सीटें, लेकिन उसके बाद भी हमने उसका सम्मान किया। आप अहंकार में नहीं, आप मान के चाहे जो जनादेश मिला है, लेकिन 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 देखिए 99 सीटों को आप कह रहे हैं कि हम तो लगातार प्रगति कर रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है कि सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर उभरी बीजेपी ही, भले ही उनकी सीटें कम हुई हो, भले ही जो वो आंकड़े की बात, जिस आंकड़े को छूने की बात कर रहे थे उससे वो बहुत पीछे रह गए हो, लेकिन उसे डिनाई नहीं किया जा सकता। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।